नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं संजय कुमार, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो एमएससी फाइनल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट पेपर चलता है, उसकी एक यूनिट है फोटो केमिस्ट्री। तो उसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो फोटोकेमिस्ट्री है, उसमें एक रिएक्शन आती है नोरिस टाइप सेकंड प्रोसेस, या उसे बोले बीटा क्लीवेज। तो उसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने नोरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस अल्फा क्लीवेज के बारे में स्टडी की थी। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, कुछ जो इसकी डेफिनेशंस वो देखते हैं, इसमें क्या फैक्ट्स है, फिर हम आगे इसके एग्जांपल्स लेंगे इस रिएक्शंस के। ए नोरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन इज द फोटोकेमिकल इंट्रामोलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए गामा हाइड्रोजन बाय द एक्साइटेड कार्बोनिल कंपाउंड टू प्रोड्यूस ए 1,4 बाय रेडिकल एज ए प्राइमरी फोटो प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एसाइक्लिक जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर ये इस टाइप की, इसमें ये कंडीशन आती है इसमें, तो जो गामा हाइड्रोजन है उसका जो इंट्रामोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, और उससे क्या बन रहा है, 1,4 बाय रेडिकल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है जो प्राइमरी प्रोसेस में। उसके बाद में जो सेकेंडरी जो रिएक्शन होती है उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा बीटा क्लीवेज, उसकी वजह से क्या बनेगा, एल्किन बनेगी और एक इनोल का फॉर्मेशन होगा, और इनोल आगे टोटोमराइज होकर किसी में बदल जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा। इसके अलावा साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होगा। जो नोरिस ने जो फर्स्ट जो ये रिएक्शन थी ये 1937 में रिपोर्ट की थी और उसको एक्सप्लेन किया था। अब देखो इसमें कीटोन्स विथ लो लेइंग पाई टू पाई स्टार स्टेट्स डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन। इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई नोरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस। द फैसिलिटी फॉर गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर विल डिपेंड ऑन द कन्फॉर्मेशनल मोबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द लाइफ टाइम ऑफ द कार्बोनिल एक्साइटेड स्टेट। जो गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है वो एक तो जो सबस्ट्रेट है उसकी जो कन्फॉर्मेशनल मोबिलिटी है या उसकी स्टेबिलिटी कह दें, और जो एक्साइटेड स्टेट बनती है उसकी जो लाइफ टाइम कितनी है। अगर इसकी लाइफ टाइम जो एक्साइटेड स्टेट की शॉर्ट है तो उस स्थिति में जो कीटोन है उसका जो कन्फॉर्मेशनल डिस्ट्रीब्यूशन या आगे कन्फॉर्मेशनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो इम्पोर्टेंट होता है। इफ सिस्टम इज साइक्लिक देन डेल्टा एच एब्स्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो एसाइक्लिक सिस्टम है तो इन दैट कंडीशन गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन एंड देन साइक्लिक सिस्टम डेल्टा एच एब्स्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो सीधा मैंने फैक्ट्स कुछ बात की उसकी, और अब मैं आप सीधा इसमें एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो हमारे सामने ये कीटोन है, एसाइक्लिक कीटोन है, तो देखो इसमें अल्फा कार्बन, बीटा और ये गामा कार्बन। तो गामा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन हमने लगाई थी इसमें, जो नोरिस टाइप सेकंड में कंडीशन होती है कि गामा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट एट द गामा कार्बन एटम। अब देखिए यहाँ पर जब फोटो इसमें यूवी लाइट डालेंगे, यूवी विजिबल, तो इसमें क्या होगा, एक्साइटेशन होगा और यहाँ पे जैसे 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो ये बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और यहाँ जो डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनेगी, और उसके बाद में क्या बना, 1,4 बाय रेडिकल स्पीसीज बनी। तो अब ये क्या हो गया, इसमें 1,4 बाय रेडिकल स्पीसीज बनी, तो
इसमें देखो, एक तो साइक्लाइजेशन हो सकता है सीधा ही। देखो साइक्लाइजेशन, यहाँ से वन इलेक्ट्रॉन और हियर वन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और ये साइक्लाइजेशन वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन साइक्लोब्यूटेन बन गया। और इसके अलावा जैसे इसमें अल्फा बीटा जो बॉन्ड है उसका भी क्लीवेज होगा, इसलिए तो बोला बीटा क्लीवेज। तो फ्रेगमेंटेशन हुआ, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, पहले इनोल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो ये इनोल का फॉर्मेशन हुआ। इसके साथ साथ इसमें क्या बना, कीटोन का एल्किन का फॉर्मेशन होगा। और जो इनोल है वो क्या है, टोटोमराइज जाएगा किसमें, कीटोन में। तो ये एक दूसरे में चेंज होता रहता है। तो ये नोरिस टाइप पे जो सेकंड जो प्रोसेस थी उसका हमने एक उदाहरण लिया। अब हमारे सामने एक अदर जो दूसरा उदाहरण है उसमें नोरिस टाइप फर्स्ट भी हो रही है, इसमें दोनों में शो कर रहा हूँ। इसमें आप देखिए अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन, तो इसमें जो नोरिस टाइप फर्स्ट में क्या बन सकता है, यहाँ से अल्फा क्लीवेज होगा, तो अल्फा यहाँ हो सकता है और यहाँ दोनों, तो दोनों वाली कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो नोरिस टाइप फर्स्ट में जैसे इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन और डाइकीटोन, तो ये फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा जो नोरिस टाइप सेकेंड है इसमें एसीटोन का फॉर्मेशन और क्या एथीन और साइक्लाइजेशन से ये क्या बनेगा, ये साइक्लो ब्यूटेन। और इसमें जैसे ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो ब्यूटेन है कि इसमें वन मेथिल वन हाइड्रोक्सी वन मेथिल साइक्लो ब्यूटेन, तो ये इसमें फॉर्मेशन होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए कि इस वाली कंडीशन में जैसे चेयर फॉर्मेशन है और इसमें बोट फॉर्मेशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा और चेयर वाला भी बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे नोरिस टाइप सेकंड प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें बाई रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। बाई रेडिकल कहाँ से, जैसे वन इलेक्ट्रॉन हियर और वन हियर, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, तो यहाँ पे ये बन गए इसमें एसाइल रेडिकल। और आगे इसमें देखिए, आगे यहाँ पर तो यहाँ से एच एब्स्ट्रैक्शन, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन इसके द्वारा होगा, तो यहाँ पे डाई रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या है कि जब फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो यहाँ से ये तो एल्किन का फॉर्मेशन हो गया और साथ में क्या, इनोल का फॉर्मेशन। और इसके अलावा जैसे ये कीटोन बनी, साइक्लोहेक्सेनोन है, तो ये इसमें इस चेयर फॉर्म इसमें बनती है। यदि जैसे इसका बोट फॉर्मेशन का प्रोडक्ट हम बनाएं तो बोट फॉर्मेशन का जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, कन्फर्मेशन चाहिए, उससे पहले क्या होगा, जो गामा जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन है तो उससे होने से पहले क्या हो जाएगा, इन्वर्जन होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्जन होगा, तो चेयर फॉर्म कन्वर्ट इंटू बोट फॉर्म, और उसके बाद में जो गामा हाइड्रोजन है उसका एब्स्ट्रैक्शन होगा। तो अब या आप यहाँ देखिए इसमें कि ये तो हमने देखा ही था यहाँ से, अब इसमें क्या होगा, अल्फा क्लीवेज होगा। क्या होगा, अल्फा क्लीवेज, जैसे नोरिस टाइप फर्स्ट की बात की, और अल्फा देखो यहाँ से क्लीवेज हो सकता है ऊपर वाले बॉन्ड को, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो जो यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ और उसको रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ और ये बना इसमें। तो यहाँ पर आगे देखिए इसमें, अब जो चेयर फॉर्म थी, चेयर फॉर्म इसमें आगे किसमें बदलेगी, बोट में, तो चेयर फॉर्म कन्वर्ट इनटू बोट फॉर्म। और आफ्टर कन्फर्मेशनल ये इन्वर्जन हुआ, इसके बाद में जो हाइड्रोजन का क्या है, एब्स्ट्रैक्शन होगा, और उसके बाद में ये बोट फॉर्मेशन वाला प्रोडक्ट का निर्माण होगा, सिंथेसिस होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब एक नेक्स्ट में उदाहरण ले रहा हूँ कि जैसे अल्फा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कि फ्रेगमेंटेशन होगा या साइक्लाइजेशन होगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास कोई कीटोन है, तो इसके अंदर देखिए आप अल्फा पे R1 और R2 दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर इसका फ्रेगमेंटेशन हो तो फ्रेगमेंटेशन में क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मेशन प्रोडक्ट और ये एल्किन का फॉर्मेशन हुआ। और अगर साइक्लाइजेशन कराएं तो साइक्लाइजेशन में ये होगा। तो अब ये देखते हैं कि अगर R1 और R2 जो यहाँ पर जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट, अगर हाइड्रोजन एटम है, एच है, तो 10% साइक्लाइजेशन होगा और 90% क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। और यदि R1 एच है और एक मेथिल है और एक एच है, इन दैट कंडीशन 29% साइक्लाइजेशन होगा। और यदि दोनों मेथिल है तो
इस स्थिति में 89% इसका साइक्लाइजेशन होगा। तो ये स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हम चेंज करते जाएंगे तो साइक्लाइजेशन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनता जाएगा। तो आप यहाँ पर इसका अल्फा सब्स्टिट्यूएंट का हम देख सकते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि वेन एल्काइल और फिनाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट गामा कार्बन देन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेनल कॉम्प्लेक्स विथ बीटा इलिमिनेशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये फेनिल है और ये इधर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो इलिमिनेशन के द्वारा साइक्लो ब्यूटेनॉल जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और इसके अलावा यहाँ पर हम इसको जोड़े और ये प्रोडक्ट भी इसमें बनता है। आप बना के देखेंगे बन जाएगा इसमें। और आगे देखते हैं कि हमारे पास अगर साइक्लोप्रोपीनाइल कीटोन है तो उस वाली स्थिति में कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसमें साइक्लोप्रोपीनाइल कीटोन अंडरगो बीटा क्लीवेज फॉलोड बाई हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द गामा कार्बन एटम। तो आप यहाँ पर एक ले रहे हैं साइक्लोप्रोपीनाइल कीटोन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए ये बीटा और ये गामा, यहाँ पर इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो 1,4,1,3 डायरेडिकल का फॉर्मेशन हुआ इसमें। और उसके जब 1,3 डायरेडिकल का फॉर्मेशन होगा उसमें दो पॉसिबिलिटी है, दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें रेजोनेंस में जो ये डबल बॉन्ड है और ये कीटो ग्रुप के साथ अगर रेजोनेंस में है तो ये मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जो इस पोजिशन पे है जो डबल बॉन्ड तो ये प्रोडक्ट मोर फेवरेबल है तो मेजर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ से ये आगे अगर डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड और ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस में नहीं है तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार से इसमें ये बीटा क्लीवेज के द्वारा इसमें एच एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। और ये एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ से ये अगर सिग्मा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो आगे इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसके अलावा अगर ये अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस वाली स्थिति में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आज हमने जो नोरिश टाइप सेकेंड जो प्रोसेस थी जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की फोटोकेमिस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।